देखिए जैसा कि हमने बोला कि वॉकिंग टूर ले जाते थे वो हो नहीं पाया है, तो फिलहाल के लिए अब अगली चीज़ जो पेंक से मंदिर के सामने खड़े हुए थे तो वो है आपकी केबल कार। भाई कुछ ज़्यादा महंगी लगी, 30 लारी यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 800-900 रुपये आने चाहिए, 850 रुपये की कल केबल कार ले रहा हमारा शोर कितना लंबा है, तो सिंगापुर से भी ज़्यादा महंगा लग रहा है। तो बट हमारे साथ ही बच्चों को बच्चों मेरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, चलिए देखते हैं कितनी लंबी है हमारा शोर की, कहते हैं क्या सीन है। बट कुछ ज़्यादा ये महंगी है, इससे ज़्यादा 5 लारी पे शायद हमने तबलीसी में की थी और उससे कम्पेयरली 30 तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है। बट इंतजार करते हैं, देखते हैं। चलिए पातुमी की पहली चीज़ जो करने वाला है झोला वो है आपका, क्या कहते हैं, केबल कार राइड। चलता ठीक ठाक सही है, देखते हैं आपका, मुझे पता नहीं क्या डेडिकेटेड वीडियो होगा कि नहीं होगा, बट दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक लौती चीज़ जो आप कर सकते हो, वन ऑफ द थिंग जो आप कर सकते हो वो है आपका केबल का। आपको एरियल व्यू दिखाई पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, एक बार दिखाता हूँ आपको पीछे से मैं। देखिए 30 का वर्थ है कि नहीं है वो तो बाद में ऊपर पहुँच जाएगा, बट ये देखिए सब चीज़ अपनी देख रहे हैं आप, देखिए एक अच्छा सा एरियल व्यू मिलता हुआ एटलीस्ट अब 900 रुपये वर्थ है कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा। बट देखिए उन्होंने ऊपर माहौल तो पूरा बना रखा है, अच्छा खासा है कि रेस्टोरेंट वगैरह बना रखा है ऊपर से, आप इसमें बैठ खा पी सकते हैं और लाइव म्यूजिक तक चलता हुआ यहाँ पर। और एरियल व्यू पता नहीं आपको केबल कार के अंदर से कितना व्यू आया था कि नहीं आया था, बट यहाँ पर अच्छा खासा एक एरियल व्यू दिखता हुआ। कुछ फैंसी इनके जो स्काई राइजर्स हैं, मतलब भाई अलग ही आर्किटेक्चर दिख रहा है, कुछ तो बेहतरीन आर्किटेक्चर, अगर आप 3-4 बिल्डिंग देख रहे होंगे तो आर्किटेक्चर तो बहुत ही बेहतरीन। और ये देखिए जिस केबल कार से हम आए हैं ठीक ठाक है लेंथ वाइज, तो मुझे लगता है ये पता नहीं कितना था बट डिसेंट, लगभग 10 मिनट टाइप्स नॉन स्टॉप, कोई भी स्टेशन नहीं, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट हो एक डेस्टिनेशन बीच में कुछ भी नहीं है। और तो लेकिन शायद इस वीडियो को यहाँ पे नहीं विराम करूँगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, शायद बहुत कट पीट के डालूंगा। तो इसके बाद थोड़ा सा सड़कें घूमते हैं बातूमी की, शाम का टाइम हो चुका है आपका 11:30 वैसे पता है यहाँ पर कम्पिटेटिवली ज़्यादा जल्दी अंधेरा होता हुआ, थोड़ा बादल ज़्यादा है, शायद 5:30 ही बज रहे हैं केवल आपके 5:30 के हिसाब से उजाला थोड़ा कम हो चुका है, शायद तबलीसी में ज़्यादा था। एक तो आँख मतलब उस साइड से भी आपको एक बार व्यू दिखाते हैं, थोड़ा सा स्काई राइज़ का व्यू जो है उस साइड भी काफ़ी अच्छा दिखता हुआ। बट लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो भी नाम नहीं करेंगे, छोटा सा ये पार्ट रखेंगे आगे आगे और बच्चों दिखाते हैं उसमें कंटिन्यू रखेंगे। तो बातूमी में क्या क्या कर सकते हैं तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे, फूड व्लॉग्स अलग से आएंगे जो आपको पहले से भी मिलने, इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो एक कच्चा पूरी अलग सी अंडे वाली कच्चा पूरी दिखाई उसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। और फिलहाल बस ठीक ठाक से देखना, मतलब जनता है मंडे के हिसाब से रिसेंट जनता 1 अगस्त 2022 को झूले के कदम रखे हैं यहाँ पर आपके अंगूर की खेती देख रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं अंगूर की डिसेंट सी खेती दिखती हुई, खेती क्या कहेंगे, मतलब प्लांटेशन लगा रखा रंगबाजी के लिए, बस वही है। देखिए एक और चीज़ है जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कहते हैं केबल कार के अलावा है, वो ये नहीं कह रहा था मैं आपको कि ऐसा जंप कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी कुछ तो हद तक आपके जो सी स्पोर्ट्स हो सकते हैं वो आप कर सकते हो, जिसमें आपकी पैरा सेलिंग इंक्लूडेड है, बोट राइड इंक्लूडेड है, काफ़ी कुछ कर सकते हो, पूरा मतलब बिल्कुल ही गोवा का भी बाप बन के भसड़ मचा सकती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ का इलाका हो रखा है। तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो एक सामने वो देखिए जायंट व्हील आपको दिखाई पड़ रही है, चल भी रही है भाई, मतलब बिल्कुल लगी नहीं ना सोमवार का दिन इतना ज़्यादा पूरा मेले पर मेला तो वाली फीलिंग आ रही। तो हाँ पैरा सेलिंग कर सकते हो आप 150 यहाँ की करेंसी के हिसाब से, तो मतलब कुछ ज़्यादा महंगा 4,500 रुपये लगभग हो गया, हम नॉट श्योर आप गोवा में अगर जाके करना कर सकते हो तो यहाँ करने की कितनी ज़रूरत है। और क्या कहते हैं बोट राइड है वो कर सकते हो आप, शायद 2-3 चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली क्या जितने भी आप बोट बनाना बोट राइड पीछे देखिए बनाना बोट राइड भी एक और चीज़ है जो कि आप बनाना बोट राइड कर सकते हो, जायंट व्हील में बैठ दो भाई, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा ही भसड़ है। और ये देखिए
फैंसी सी बड़ी बड़ी बोट्स भी नज़र आ रही है मेरे को। आप इन बोट्स पे भी बैठ सकते हो। ये भी क्या कहते हैं, अलग ही शायद अपना शौक इतना प्राइस वगैरह इसका, बट एक और चीज़ है जो कि आप बोट में इससे बैठ के कर सकते हो। पास में आके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ऐसी छोटी छोटी बोट्स भी हैं वो भी कर सकते हो। और ये देखिए एक बड़ी बोट भी है, वैसी आप ले सकते हो। ऐसे छोटी बोट्स भी हैं भाई साहब, अलग ही दुनिया, मतलब अलग ही। अगर ब्लैक सी में अगर आए हो इतनी दूर तो बकचोदी करनी बनती है, वो वाला सीन है। अरे राम, काफ़ी कुछ है करने के लिए। आप अगर आप चाहो तो काफ़ी कुछ कर सकते हो भाई। काफ़ी कुछ आप कर सकते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि बकचोदी के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। अरे राम, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल आपको बस दिखा रहे हैं। आपको एंथो नहीं है, 4,500 रुपये खर्च करने का। हाँ, 4,500 रुपये खर्च करके आपका ये देखिए, आप इस तरह से स्पीड बोट ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे स्पीड बोट दिखती है। ब्रो हाउ मच द कॉस्ट स्पीड बोट? 50 ला रही। हाउ मच टाइम डज इट टेक? 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए आप कर सकते हो स्पीड बोट राइड, जिसकी कीमत आपकी 50 ला रही। आप 1,500 रुपये आप खर्च करना चाहोगे। हाउ मच इज इट? 20 ला रही है, तो क्या समझ लो कहते हैं 600 रुपये हो गए। 600 रुपये आप हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए आप नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हम तो बस। और देखिए बुढ़िया के बाल बनते हुए, दिस इज वेरी गुड। वेरी चीप, नॉट दिस प्राइस, वेरी कॉस्ट। आई कम फ्रॉम इंडिया, माई ऑडियंस दे सी बहुत महंगा है भाई। हाँ मत चलिए बकचोदी करते हैं, थोड़ा बढ़िया के बाल बनते हुए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिडिल ईस्ट जनता एज अ टूरिस्ट आती, तो उससे आपको मुझे लगता है शायद यहाँ पे डोनर कबाब वगैरह के भी ऑप्शन तो ज़्यादा देखते हुए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मॉन्यूमेंट दिखाई पड़ा, पीछे भी मुझे हिरन शिरन दिखाई पड़ा, उसके पीछे भी एक कोई तो हमारा शौक पीछे दिखाई पड़ा। बट ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, वन ऑफ द प्लेसेस जो आपकी शायद घूमना चाहोगे अगर आप बातूमी में घूम रहे हो। तो ये रही एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, आई एम नॉट श्योर कितना क्या सिग्निफिकेंस है क्या नहीं है, बट वन ऑफ द टू डू थिंग्स है बातूमी में। तो चलिए बस ये जो पूरी भ्रमण वाला एक वीडियो था जहाँ पे हमने कहते हैं शुरुआत कहाँ से कहते हैं शायद केबल कार से, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको पीछे से दिखाया जहाँ पे आप काफ़ी कुछ वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो अगर आप करना चाहो। और फाइनली इस वीडियो को विराम देते हैं, यहाँ पर शाम के 7 बज चुके हैं। शायद अगला वीडियो मोस्ट लाइकली कुछ खाता पीता हूँ उसका वीडियो आएगा, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको बाथरूमी में आप कुछ क्या कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में फैंसी सी बिल्डिंग्स लग रही है मुझे, अगर आप सामने भी देख रहे हो तो काफ़ी आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बाथरूमी ज़्यादा फैसिनेट करता हुआ मुझे लग रहा है कि कम्पेयर टू आपका क्या कहते हैं तबलीसी की कंपेरेटिवली। बट चलिए इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। आर्किटेक्चर देखिए बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर दिखता हुआ यहाँ पे, इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफरनामे पे, तब तक खाइए वाला और घूमिया वाला।